पर वो मुझे माँ बहन की गाली बकता है, मुझे टॉर्चर करता है, मेरे को कहता है कि आप अपने बीवी बच्चों को लाओ, मैं उनको जलील करता हूँ। ये क्या रीजन है हमारे व्यापारियों को? मेरे साथ साथ और व्यापारियों को भी ऐसे ही बोला है उसने। जिस तरीके से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें माँ बहनों की चुन चुन कर गालियां दी जा रही है, जाति सूचक गालियां दी जा रही है, एक जाति विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारा शोभनीय है, महानिंदनीय है और हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूँ कि वो अतिशीघ्र इस अहलावत को ना केवल सस्पेंड करे बल्कि टर्मिनेट करे और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करे, ताकि इसे पता लगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी नस्ल याद रखें कि किस तरीके से रोहतक से इस के अंदर आकर के उन्हें अपनी दुकानदारी यहाँ पर जमाना चाहिए। आज सरकार का खजाना, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, मगर सरकार का खजाना भरने का काम ये मेरे व्यापारी बैठे हैं वो करते हैं करोड़ों अरबों रुपए। सरकार को टैक्स के रूप में इनकम टैक्स, जीएसटी, मार्केट फीस, एक्साइज ड्यूटी कौन देता है? वो हमारे जैसे व्यापारी जनता से इकट्ठा कर करके सरकार का खजाना भरते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार के परिजात चौक पर मैं मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ इतने सारे व्यापारी मौजूद हैं। ये व्यापारी दरअसल यहां पर परेशान होकर, हताश होकर पहुंचे हैं, परेशान हिसार के कमिश्नर से जो कि नगर निगम के अंदर बैठते हैं अहलावत जी, कथित तौर पर वो जो है इनसे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, इनसे जो है रिश्वत ले रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ फिलहाल बजरंग दास गर्ग जी जो कि व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं और रामनिवास राणा जी भी मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत एक बार कर लेते हैं। सर, इतने सारे व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं और भ्रष्टाचार के आरोप ये व्यापारी लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो कांग्रेस पार्टी है वो इन व्यापारियों के साथ है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट, ये एक ही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट अगर जो व्यापारियों को तंग करेगा, अगर मजबूर करेगा, तो कांग्रेस पार्टी का छोटा सा लेकर बड़ा तक, वरिष्ठ नेता तक जो है इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके जो है चलने का काम करेंगे और हर तरह से मजबूती से जो है व्यापारियों के साथ है। मेरे को 9 तारीख को बिना किसी नोटिस के इन्होंने जीएसटी ऑफिस में बुला लिया जी। मैं अपने आराम से चला गया, एक फोन पे इनके कोई दोबारा फोन नहीं करवाया जी। वहां जाते ही कभी मनोज लांबा जी थे, इंस्पेक्टर हैं वो, सुरेंद्र डूब जी, उन्होंने जाते ही मेरी तलाशी ली, फोन वगैरह रख लिए, चाबी तक नहीं रखने दी थी जेब में। फिर उसके बाद कभी कुछ पूछते हैं, कभी कहते हैं तुम चोर हो, तुमने चोरी की हुई है। मैं बोला जी काम क्या हुआ जी, चोरी नहीं की हुई। फिर कहते हैं नहीं तुम चोर ही हो। मैं बोला जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। लेकिन नहीं माने, गालियां देने लग गए। उसके बाद मेरे को बोले तेरे पास जेब में और क्या क्या है? मैं बोला जी और कुछ नहीं है, सबको निकाल लिया आपने। बोला और कोई मोबाइल? मैं बोला जी नहीं। बोला तू क्या चाहता है? मैं बोला जी मैं कुछ नहीं चाहता, आप बताओ आपको क्या चाहिए। फिर वो बोले कागज, मैला जी पेश कर दूंगा। बोले कागज पेश करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ले दे के बाद सेटल कर ले। मैं बोला जी मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर मेरे को बिठाए रखा, उसके बाद बोले चलो तुम्हें सचिन अहलावत के पास लेके चलते हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं। मैं बोला जी चलो। उन्होंने मुझे ले जा उनके ऑफिस में खड़ा कर दिया, जो पीछे सोफा पड़ी थी जी, मैं वहां बैठ गया जी गलती से। मेरे को गाड़ी निकाल के बोले मैं खड़ा हूँ, बैठता किससे पूछ के है। मैं बोला जी गलती होगी। फिर उसने मेरे को बोला नीचे बैठ जा गाली देके। मैं बोला जी नीचे नहीं बैठूंगा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। बोला तू तो कैसे नहीं नीचे बैठेगा? उसने 3 घंटे जी खूब मेरे को टॉर्चर किया वहां पर अपने ऑफिस में। वहां पर ना ही कुछ, ना पानी तक पीने को नहीं दिया जी, 4 घंटे मैं वहां था। एक ही बात कि तुम व्यापारी सब चोर हो, तो आप ही बताइए ये क्या है जी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4-4 घंटे बिना पानी के वो बिठाए रखते हैं इस गर्मी में भी, और के नीचे बिठाने का तो कोई हक ही नहीं बनता जी उनका।
भाई साहब से पहले भी बात हुई, भाई साहब बात करते करते समय रो पड़ते हैं, जितने भी प्रताड़ित व्यक्ति हैं ये सब रो पड़ते हैं, इनसे आप दो मिनट भी बात करोगे तो इनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। सभी भाइयों और व्यापारी भाइयों और अंकल सभी को नमस्कार। मैं आपको आप बीती और व्यापारियों के हित की बातें बताऊंगा। मेरे को 22 जून को इन्होंने फोन करके बुलाया कि आपकी कुछ इंक्वायरी आप आइए, तो मैंने कहा कि मैं किस कारण आऊं, मुझे रीजन दिया जाए। वो बोले जी आपको जीएसटी में आना ही होगा, आपको यही कहा जाता है। मैं जाता हूं तो वो बिना किसी नोटिस के मुझे बुझा लिया जाता है, फिर मुझे कहा जाता है कि आप इतना टैक्स भर दीजिए। मैं किस बिना पे टैक्स भर दूं? टैक्स तो वो आप आम लोगों से भी मांग सकते हैं, किसी को भी पकड़ के किसी से कितना टैक्स लेके किसी कारण से लेके। वो बोले बस हमने आपको बोल दिया इतना जीएसटी भर दीजिए, हमारे ऊपर दबाव है कि आप लोगों से हमने टैक्स वसूल करना है, ये क्या कारण है कि भी टैक्स वसूल करना है। मैंने कहा जी मैं नहीं दूंगा ऐसे, आप मेरे ऊपर नोटिस निकालिए, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है तो मैं खुश होकर पे करूंगा। पर वो मुझे माँ बहन की गाली बकता है, मुझे टॉर्चर करता है, मेरे को कहता है कि आप अपने बीवी बच्चों को लाओ, मैं उनको जलील करता हूँ, ये क्या रीजन है हमारे व्यापारियों को? मेरे साथ साथ और व्यापारियों को भी ऐसे ही बोला है उसने। वो हमें घुटनों के बल बिठाया जाता है, हमें गर्मी में टॉर्चर किया जाता है बिठा के, हमें पानी तक नहीं पिलाया जाता वहाँ पे। हमने कहा सर हमारे वकील से आप बात कीजिए, वो कहता है कौन वकील है, मैं यहाँ का वकील हूँ, यही का जज हूँ, जो मैंने कह दिया वो करना पड़ेगा। तो बताइए भाइयों क्या ये सही काम कर रहे हैं? वो सभी बताइए कि हमारे व्यापारी भाई सभी बैठे हैं, कुछ व्यापारी भाई चुपचाप बैठे हैं, उनके साथ जो हुआ क्या उन्होंने ये कदम नहीं उठाया? सभी अपने अपने घर जाके कहते हैं, मेरे को उन्होंने 23 तारीख को बुला के कहते हैं कि तू पैसे देगा या जूते खाएगा, पैसे देगा या तेरी दुकान का नीलाम करते हैं हम। हमें माँ बहन की गालियां देते हैं फोन पे, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे घर आके मेरे बीवी बच्चों को दबाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि या तो आप आए पैसा दीजिए हमें या फिर आपको हम घर से नीलाम कर देंगे। हम 5-5 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है हमें, हमारे साथ इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि पूछो मत। मुझे कहा जाता है इनके सुपरिटेंडेंट साहब कहते हैं हमें कि अगर आपको घर में रहना है तो आप कुछ टैक्स भर दीजिए और 10 लाख रुपए मिनिमम हमें दे दीजिए, हम आपकी फाइल बंद कर देंगे। क्या 10 लाख रुपए देने से वो लीगल बन जाता है हमारे खिलाफ? भाइयों कुछ जवाब दीजिए, क्या बनता है क्या? नहीं। अगर हम हमारी लायबिलिटी बनती है तो 10 लाख देने से वो बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये लगाइए कि वो हमें टॉर्चर करके हमसे राजस्व भरवा रहे हैं नाजायज, साथ में रिश्वत ले रहे हैं दबा के। हमारी फाइल खोलने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि मेरी 50 फर्मे से ले गई है, बिना कुछ समझे 50 को नोटिस निकाल देते हैं। उनको कहा जाता है कि मेरी फर्म में गुप्ता टेर हाउस आटो मार्केट में, बोले वो फ्रॉड है, वो भाग गया, उसका टैक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। फिर उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ माँ बहन की गाली कर जाती है, उनको अंडर प्रेशर किया जाता है। आज मार्केट में 50% व्यापारी अपनी दुकानों पर ना रह के व्यापार ना करके अपने घरों में बैठे हैं डर के मारे, उनके खिलाफ आवाज उठाने का कोई कार्य नहीं कर रहा था। आज हमारे सुनील भाई और कमल अंकल जी के कहने पे सभी व्यापारी भाई आगे आए तो आज उनको पता लग रहा है कि भाई यहाँ व्यापारी एकता एक है। इसीलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ सभी भाइयों से कि जिस जिस के खिलाफ पूरी बनी है या बनने वाली है वो आगे बढ़े, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमारा इस हर शहर में एक भी व्यापारी टैक्स चोरी करता हो। अगर 10 रुपए टैक्स बनता है तो वो महीने वाले दिन 10 रुपए भर के आता है, ऑनलाइन रिटर्न भरी जाती है। वो हमें कहते हैं कि आप फला के दो कि क्या टैक्स बनता है, हमें नहीं आता बोले, तो बताओ टैक्स बनता ही नहीं तो भरेगा कौन? कोई भरेगा भाइयों? फिर बताओ क्यों हम उनकी यातनाएं लें? हमें कहा जाता है कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूं, अगर आपने जाके किसी को कुछ कहा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हम प्रशासन को अगर शिकायत करते हैं वो कहते हैं एविडेंस लाओ, एविडेंस वो लाने नहीं देता, हमारे मोबाइलों का डाटा तक निकाल लेता है वो, हमारे कपड़े तक उतारने की बात कह देता है। बताओ इतनी यात्राएं कौन सहेगा? हम एविडेंस कहां से लाएंगे, अंदर जाने नहीं देते किसी को। क्या कोई व्यापारी ला सकता है एविडेंस उनके खिलाफ? ऐसे कोई भी नहीं ला सकता जो अंदर जाने नहीं देंगे।
अलग अलग एलिगेशन लगाते हैं वो लोग। हमारे को टॉर्चर किया जाता है कि आप इतना टैक्स भर दीजिए। उन्होंने किस बेस पे कैलकुलेशन की कि टैक्स बनता है? सभी भाई ईवे बिल काटते हैं, सभी भाई रिटर्न भरते हैं, R13 भी भरते हैं। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो ऑनलाइन वो आगे हमें प्रोसेस ही नहीं करने देता, तो किस बेस पे वो हमारे से मांग रहे हैं? उनको एक बहाना मिला हुआ है कि बुलाओ टॉर्चर करो, कुछ पैसा ले लो, कुछ रिश्वत के रूप में जमा कर लो। अपने सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर को कहते हैं कि इतना पैसा तुम ले आओ और बाकी कुछ टैक्स भरवा दो, और उनको कहते बाकी छोड़ दिया। क्या ये लीगल प्रोसेस है? हम सभी व्यापारी उनको एक ही अनुरोध किया है कि हमारे साथ सभ्यता से बात की जाए। हमारी तरफ अगर टैक्स बनता है तो आप हमारी लायबिलिटी बताएं, लिखित में दें, नोटिस दें। अगर हमारा बनता होगा तो हम व्यापारी जरूर भरेंगे। क्या सभी भाइयों ने ये बात नहीं कही? फिर एकजुट होके हम यही उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई प्रशासन से भी हमने अपील की है, कमिश्नर साहब को भी भेजी है कि सर हमारे साथ उचित व्यवहार किया जाए, पर कोई भी सुनवाई भी नहीं है अभी तक। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी भाई एक होकर इस कार्रवाई में साथ रहे। अगर हमें इस हार में कोई भी कदम उठाना पड़े तो सभी उठाएं। प्रशासन के भरोसे ही नहीं रह सकते, हमें अपनी एकजुटता भी दिखानी है। इसलिए सभी से आग्रह करता हूं, व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।